मोटापे के शिकार हैं, कि जिम और एक्सरसाइज के बाद भी मोटापा दूर नहीं हो रहा है? क्या मोटापे की वजह से आपका लुक खराब हो चुका है? क्या ओबेसिटी की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है? अगर हाँ, तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। दोस्तों, ओबेसिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ओबेसिटी दूर करने के लिए लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, क्या क्या नहीं करते, पर मोटापा है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। क्या आयुर्वेद में मोटापे के लिए कोई इलाज है? क्या आयुर्वेद में ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कोई हल है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही आयुर्वेद आपके घर घर पहुंचे, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। जी हाँ, वो है डॉक्टर चौहान। अ वेरी वार्म वेलकम। शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? वेरी गुड। तो डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे ओबेसिटी के बारे में। अगर आप मोटापे से पीड़ित हैं या ओबेसिटी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है आपके सामने। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर चौहान, मुझे आपसे ये पूछना है कि मोटापा बहुत बड़ी समस्या होता जा रहा है, तो क्या हल है इसका और ये क्यों होता है? आयुर्वेद में जो है इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो स्थौल रोग या मोटापा एक ये जो है एक तरह से एक बीमारी है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो उनको कुछ अगर कहें तो कहते हैं हम तो खाते पीते घर के हैं, तो ऐसा एक बहाना लगा देते हैं लोग। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों का जो है मोटापा होता है शरीर में, खासतौर से BMI अगर उनका 35 से ज़्यादा हो, जो कि काफ़ी मोटे लोग होते हैं, उनकी लगभग जो है एक रिसर्च के अनुसार मैं बता रहा हूँ, एक रिसर्च हुई कि ऐसे लोगों की 7 से 8 वर्ष तक उम्र कम हो जाती है, मोटापे से आपकी आयु कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितना आपके शरीर में जो है फैट ज़्यादा होगा तो आपके लंग्स को ज़्यादा काम करना, हर सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हर सेल के अंदर ब्लड पहुंचाना होता है, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो जब सारे ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो जल्दी थकेंगे, जल्दी थकेंगे तो जल्दी वो नष्ट हो जाएंगे, मृत्यु जल्दी आएगी। तो कॉम्प्लिकेशंस का भी हमें ध्यान रखना है। ओबेसिटी केवल अपने आप में एक रोग नहीं है कि केवल मोटापा है, मोटापे के कारण आपको डायबिटीज आती है, हाई ब्लड प्रेशर आता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज आती है, स्ट्रोक आ जाता है, पैरालिसिस टाइप के जो स्ट्रोक होते हैं। और यही नहीं, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, जितने भी आपकी मांसपेशियां या जो आपके स्केलेटल सिस्टम है उसमें डिजीज आती है। मोटापे के कारण आपको अस्थमा भी हो सकता है, पेट के रोग तो होते होते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जो मोटे हैं, जिनको के मोटापा रोग है, उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है और आपको कैंसर भी हो सकता है मोटापे के कारण। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मोटापे को हल्के में नहीं लेना है। आज ही जो है जीवा का सेहत का नंबर डायल करके और कांटेक्ट कर लिए, इससे पहले के काम खराब हो जाए। जल्दी आप कांटेक्ट करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी आपको ठीक करने में। डॉक्टर, मेरा एक और सवाल है कि आयुर्वेद की मदद से मोटापा जल्दी से कैसे हटाया जा सकता है, मतलब जीवा आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है इसका? देखिए, मोटापे को कम करने का एक ही मूल मंत्र है, आप लोग सब समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे परेशान होते हैं, उनका वजन कम होता नहीं है। जब तक आप उसके मूल कारण को नहीं समझेंगे, उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे, तो आपका मोटापा कम नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा, कुछ लोग भूखे रह करके कर लेते हैं, कुछ लोग डाइट करके कर लेते हैं, वो दोबारा आ जाता है, बल्कि दोबारा डबल आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं 4 किलो कम हुआ तो 8 किलो बढ़ गया। और उसके बाद तो कारण क्या क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। अधिक मात्रा में यदि आप भोजन करते हो तो ये बड़ा सबसे ओवर ईटिंग बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो कोशिश करिए कि थोड़ा एक्टिव रहिए, फोन आता है तो फोन पर जो है बात करते हुए चलते रहिए। दूसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, हमारी अग्नि अगर ठीक नहीं है
खाने को पचा नहीं रही है। खाना भी आप लाइट खा रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइट खाते हैं फिर भी वजन बढ़ रहा है उनका, क्योंकि पाचन ठीक नहीं हो रहा। आम बन रहा है, आम जाकर के बॉडी में जमा हो जाता है, ब्लॉकेज होती है, फैट जमा हो जाता है, और इसी से जो है हमारे फैट कैरिंग चैनल्स हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाए, जो मेदोमय स्रोतस जिसको हम बोलते हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। जंक फूड तो एक बहुत बड़ा कारण है मोटापे का, जो लोग आजकल बड़े प्रेम के साथ खाते हैं, बड़े गर्व के साथ खाते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं उनसे कि जंक का मतलब क्या है हिंदी में, कूड़ा। तो कूड़ा क्यों खा रहे हो? बड़े गर्व के साथ खाते हैं कि कहते हैं लोग कि मैं कूड़ा खाता हूं, यानी कि मैं जंक फूड खाता हूं। दूसरा जो है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या मिठाई है, फ्राइड चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड फूड है, ये भी जो है मोटापा बढ़ाता है। ये समझ लीजिए जरा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोशिश कर रहे हैं और आपको ये चीज मालूम नहीं। मानसिक तनाव बहुत बड़ा कारण है, और मैं आपको यही कह सकता हूं कि जीवा में तो हम चिकित्सा करते हैं, पंचकर्म ट्रीटमेंट तो बहुत गजब का है। आप अगर आए हमारे यहाँ जीवाग्राम में आकर कम से कम 15 दिन का प्रोग्राम बना कर आइए आप, तो हम क्या करते हैं 15 दिन के अंदर आपके जो है अंदर से पूरा सफाई भी करेंगे, शोधन करेंगे, स्रोत शुद्धि करेंगे, और उसके बाद आपको जो दवाई देंगे खाने के लिए वो ज्यादा दिन बेशक नहीं खानी पड़ेगी आपको, 3-4 महीने भी खाएंगे तो आपका बिल्कुल वेट भी सेट हो जाएगा, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, साथ में जो है आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम इलाज करें तो आपको किसी तरह का कोई भी किसी लेवल पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज आपकी ठीक हुई और दो चीज खराब हो जाए। तो ये प्रॉपर हमारा चिकित्सा का तरीका है जीवा में। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओबेसिटी की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी है कि आप पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट लें। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। आप पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट कीजिए आपके नजदीकी जीवा क्लिनिक्स में, या फिर कॉल कीजिए सेहत के नंबर पर, कॉल नाउ ऑन द सेहत का नंबर जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर चौहान से हम जानेंगे कि ओबेसिटी को लेकर जो आजकल मार्केटिंग चल रही है कि जल्द से जल्द दूर करें, उसकी सच्चाई क्या है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए बात करते हैं उनसे। नमस्ते, मेरा नाम अशरफ इस्लाम, मैं आसाम से बोल रहा हूँ। आपसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। सर मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सर मेरा काफी दिनों से हेल्थ इश्यू चल रहा है, मतलब हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है। खाना वाना जितना कर उतना कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से खाने के लिए, लेकिन खाना वाना खा रहा हूँ लेकिन वो जो हेल्थ वो ठीक नहीं हो रहा है। सर ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, या प्लीज मुझे बता दीजिए। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, सर हम लोगों का स्किन कलर क्यों खराब होता है, और इसका मेन रीजन क्या है, और क्या करने से ये ठीक होगा, या प्लीज मुझे बता दीजिए। देखिए दोनों प्रश्न आपके बहुत अच्छे हैं, और सबसे पहले तो ये जो वेट लॉस वाला प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। जब आपको कोई कारण मालूम नहीं चलता है कि मेरा वजन कम क्यों हो रहा है, यानी कि कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, आप ठीक तरह से आपका जो है सब न्यूट्रिशन भी प्रॉपर ले रहे हैं, सो दैट मीन्स देयर कुड बी समथिंग सीरियस। तो एक मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक बार प्रॉपर फुल बॉडी चेकअप कराइए आप, उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, हमारे डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए, वो पूरा आपको लिख करके देंगे, क्योंकि हमें ये जरा थोड़ा रूल आउट करना है कि कहीं कोई अंदर किसी सिस्टम में कोई खराबी तो नहीं चल रही है, कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं बन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लिवर की खराबी से होता है। दूसरी चीज स्किन की आपने बात की, तो स्किन के लिए तो बहुत अच्छे जो है प्रोडक्ट्स हम जीवा में भी बनाते हैं आपके लिए। स्किन केयर जब यदि आप करेंगे तो उससे आपकी स्किन अच्छी होगी। स्किन केयर में एक तो ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए। एक ऑयल आता है बहुत बढ़िया जीवा का, कुमकुम आदि तेल। कुमकुम आदि तेल जो है आपके चेहरे पर दाग धब्बे पिगमेंटेशन बहुत गजब का काम करता है, वो भी जो है आप मंगा सकते हैं। और लेकिन जो मैंने आपको बताया कि हमारे डॉक्टर से एक बात जरूर करिए, प्रॉपर एक कंसल्टेशन कर लीजिए, ताकि हम एक एनालिसिस करें कि आपका जो वजन कम क्यों हो रहा है और त्वचा आपकी इतनी क्यों खराब हो रही है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, डेफिनेटली आपके जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम निकाल के देंगे आपको।
जी, और जो कि बहुत जरूरी है। तो ओबेसिटी की हम बात कर रहे हैं, दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आप या आपकी फैमिली में कोई मोटापे की प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जीवा आयुर्वेद में कॉन्टैक्ट करें और अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट लें। कॉल करें सेहत के नंबर पर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर, मेरा एक और सवाल है। हम आजकल बहुत खबरों में देखते हैं कि स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पे बहुत फोकस करते हैं कि योगा से ही होगा जी। तो जीवा आयुर्वेद में ओबेसिटी दूर करने के लिए क्या क्या योगासन कराए जाते हैं, या फिर हम अगर ऑनलाइन कोर्सेज देखें जीवा आयुर्वेद में जितने भी हैं, तो वो कैसे मदद कर रहे हैं लोगों की? देखिए, आपको मैं बड़ा स्पष्ट बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जब भी कोई चिकित्सा हम करते हैं तो उसमें योग है, चाहे मेडिटेशन है, चाहे डाइट है, इसका इम्पोर्टेंस होता है। आपके साथ मैं सबसे पहले केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आपको थोड़ा सा और समझ आएगा। ये जो केस है, ये 4 साल से ये व्यक्ति ओबेसिटी से परेशान था, और पेशेंट जो है हमें कैसे मिला, टेलीमेडिसिन के माध्यम से उसने कॉन्टेक्ट किया था। और ओवरवेट तो था ही, उसके साथ उसके पेट में गैस, एसिडिटी, भूख जो है डिस्टर्ब थी उसकी, नींद नहीं आती थी, ये सब कॉम्प्लिकेशंस मोटापे के साथ होते हैं। 7 महीने में 13 किलो वजन उसका कम हुआ। देखिए, लगभग हर महीने 2 किलो वजन उसका कम हुआ। दूसरे सिस्टम्स जैसे कि जॉइंट पेन, हेयर फॉल वगैरह में भी बहुत लाभ उसको मिला। अभी दवा उसकी बंद है, वेट बिल्कुल उसका वहीं पर रुका हुआ है, मैनेज्ड है। ऐसा नहीं कि दवाई बंद करने से दोबारा से वजन बढ़ जाए। तो आयुर्वेद में ये हम कहते हैं इसको आयुर्वेद की शक्ति। आयुर्वेद की शक्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे जो है जो भी आपको रिलीफ मिलता है वो फिर स्टेबलाइज रहता है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि वो कोई दवाई लेंगे, वजन कम हुआ और उसके बाद फिर दोबारा से बढ़ जाता है। जहां तक आपने जो पूछा योग कौन सा हमें करना चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए मोटापे को कम करने के लिए, आसनों की अगर बात करें घर पे भी आप कर सकते हैं। मोटापे के लिए पश्चिमोत्तान आसन बहुत अच्छा काम करता है, हस्तपाद आसन, ये चीजें आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। त्रिकोण आसन, वीरभद्र आसन और धनुरासन। जी, तो बिल्कुल ऑनलाइन योग सीखने के लिए जीवा से आप संपर्क कर सकते हैं वेबसाइट पर। बता दूं मैं आपको कि आजकल ओबेसिटी को दूर करने के लिए काफी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मार्केट में, उनके बहुत सारे विज्ञापन भी चल रहे हैं, मगर वो सारे सही हैं ऐसा नहीं है। इसलिए जागरूक रहिए और ऑथेंटिक आयुर्वेद अपनाइए। इसलिए नोट कीजिए सेहत का नंबर ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। ओबेसिटी के इलाज के बारे में जानकारियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, साथ ही डॉक्टर चौहान बताएंगे होम रेमेडीज फॉर ओबेसिटी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से जीवा हेल्थ शो में। मैं हूं शेफाली बग्गा और डॉक्टर चौहान मेरे साथ हैं। और क्या अगर हम डाइटिंग ना करें तो भी हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, अगर डाइटिंग नहीं करनी है तो उसका एक ही जो है मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। एक तो आमतौर पर आपने सुना होगा, ये कहते हैं कि भाई जितनी कैलोरीज आप खाते हैं उतनी बर्न कर दीजिए तो फिर वजन नहीं बढ़ेगा आपका, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम आयुर्वेदिक भाषा में क्या कहते हैं कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं, जो कुछ भी, अगर आपको थोड़ा हैवी खाने का भी शौक है, बट मेक श्योर कि वो पूरी तरह से पच जाए। जब वो पूरा पच जाएगा तो आम नहीं बनेगा, और आम नहीं बनेगा तो आपके शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि आपको लाइफस्टाइल आपको अपना चेंज करना है, खास तौर से एक्टिव रहना है, बैठे नहीं रहना, और पूरा दिन मत खाते रहिए, कम से कम 4-5 घंटे का गैप रखिए 2 मील्स के बीच में। नियमित रूप से एक्सरसाइज, पसीना थोड़ा निकलना चाहिए, जो स्वेटिंग होती है उससे भी हमारे शरीर के जो पोर्स हैं वो खुलते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अगर पॉसिबल है तो कहीं सोना, स्टीम बाथ वगैरह आप कर सकते हैं, नहीं तो जीवाग्राम में आ जाइए, वहां पर सारा प्रबंध आपके लिए हमारे अवेलेबल है। और धूप में भी बैठना चाहिए। जी डॉक्टर, क्या आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे कि ओबेसिटी मैनेज करने के लिए उन्हें कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए होम वेलनेस के लिए? जी, देखिए, जहां तक मैनेजमेंट की बात है तो जीवा की स्लिम टी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, केवल भारत में नहीं, यूरोप में बहुत लोग लेते हैं,
डाइजेस्टोल मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे अभी मैंने बात की कि पाचन अच्छा रहना चाहिए तो डाइजेस्टोल तो सबके घर में होना चाहिए। और एलोवेरा जूस हमारा बहुत बढ़िया है, उसमें अंदर आपको पल्प भी मिलता है और वो पूरा अंदर जाकर के स्रोत शुद्धि करता है। अगर पेट साफ नहीं होता है तो जीवा का मुक्ति चूर्ण या त्रिफला चूर्ण और गर्म पानी में थोड़ा नींबू और शहद डाल करके सुबह रोज पी सकते हैं आप। सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी इसका पाउडर घर पे बना लीजिए और इसमें से एक एक चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं। साल में एक बार पूरे शरीर की सफाई जरूर करानी है और उसके लिए आपको पंचकर्म कराना है। पंचकर्म हमारी क्लिनिक्स पर भी होता है और बहुत अच्छी तरह से आपको रेजिडेंशियल करके करना है तो जीवाग्राम में आ जाइए। कि जीवा में जो पेशेंट आते हैं, पहली बात तो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे पास लोग जो है शुरू में आते नहीं है, बहुत लेट आते हैं, लेकिन जो हमारा पूरा सिस्टम है, सिस्टम मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आवर डॉक्टर्स, आप समझ लीजिए जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी जो पूरी एक ट्रेनिंग हमारी होती है, क्योंकि एक इसको कहते हैं कोमॉर्बिडिटी, यानी कि एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी, और उस पर जब कारण पर जो दोनों का कारण है, कॉम्प्लिकेशन का कारण, मोटापे का कारण या तीसरी कोई चीज है उसका भी जो रूट कॉज है, उस पर जब आप काम करेंगे तो मोटापा भी ठीक होगा, कॉम्प्लिकेशन भी ठीक होगा, तीसरी चीज भी ठीक होगी। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर शेयरिंग दिस यूजफुल टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन हम सभी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, अगर आप ओबेसिटी या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नजदीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 88-60-10-40-40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। अब आप अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत इस थॉट के साथ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और एक बात आप अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी इलाज या दवाई ना लें, क्योंकि जीवा आयुर्वेद से आप जुड़ेंगे अगर तो आपको यहाँ पर पर्सनलाइज्ड इलाज मिलेगा और दवाई मिलेगी। और एंजॉय कीजिए एक खूबसूरत जिंदगी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। अपनी सेहत का ख्याल रखें।